बाकी ये ओवरऑल लेंथ है भाई इसकी, आप देख सकते हो काफी लंबी फील होती है। अरे एक चीज बताओ भाई मेरे को, इसकी सर्विसिंग का क्या मेन रहता है, क्योंकि ऑडी की सर्विसिंग बहुत महंगी बताते हैं लोग। मेरी सिर्फ 10,000 किलोमीटर चली है एक साल में, पर वैसे ना इसकी सर्विस एक्सपेंसिव है अरुण भाई, एक्सपेंसिव यार। देखो जो मैंने इसकी लास्ट सर्विस कराई ना, वो सर्विस हुई थी 48,000 रुपीज की, और उसके अंदर ना कोई मेजर काम नहीं हुआ था। कार लाइक अभी भी ब्रांड न्यू के जैसी है, तो कार में जो ऑयल चेंज होता है, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर चेंज होता है भाई, यही चीजें ना इतनी एक्सपेंसिव आती है। इसका ऑयल ही लगभग 18-19,000 रुपए का चेंज होता है, सिंथेटिक ऑयल। इसकी मार्केट में अगर वैल्यू देखें तो वो 7-8,000 से ज्यादा का नहीं होता, लेकिन क्योंकि ब्रांड प्रीमियम है तो उस प्रीमियमनेस के ना सर्विस में भी पैसे कहीं ना कहीं ऐड हो जाते हैं। कोई भी एक भी सर्विस फ्री नहीं होती भाई, ओडी ओडी में कोई फ्री नहीं होती, यही है सही है। इससे अच्छा तो मारुति ह्यूंडई ह्यूंडई अपना तीन सर्विस इसमें तीन सर्विस फ्री आती है, इसमें एक भी सर्विस फ्री नहीं आती। तो ये बेसिक बिल्कुल ही बेसिक सर्विस में 48,000 रुपए लगता है। अगर कुछ मेजर ब्रेक पैड वगैरह, कोई पार्ट चेंज हो गया तो आपका बहुत पैसा लग जाएगा भाई। अगर आपके ब्रेक पैड चेंज हो गए तो समझ लो कि एक सेट ब्रेक पैड का ना कम से कम आएगा भाई 36,000 से 37,000 रुपए का। मनोज भाई जैसे वैसे पूछने वाली बात तो नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कार रख रहे हो, पर आपको ये याद नहीं आता जब आप सर्विस करवाने जाते हो कि फॉर्च्यूनर आज होती तो 48,000 की जगह मात्र 10,000 रुपए में सर्विस होके घर पे आ भाई, 10,000 भी नहीं, 4,800 रुपए में होती। हाँ मतलब वो मैं तब बता रहा हूँ, तो पार्ट भी चेंज हो गया आपके कोई। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं टोयोटा कार भी रखता हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस का पता है। आई मीन सर्विस कॉस्ट ना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। 48,000 रुपए ना मेरे आज तक लगे होंगे पूरी सर्विस में, कोरोला ऑल्टिस में, राइट। इसके अंदर पहली सर्विस में लगे थे, वो डेफिनेटली फील होता है। लेकिन यार जो प्रीमियम कार को रखने का मजा है ना, तो आप ये चीजें देखते नहीं हो साल में एक